बुंदेलखंड के कठिया गेहूं को जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले कठिया गेहूं के उत्पादन में अब काफी सहूलियत मिलेगी। साथ ही इसकी खेती करने वाले किसानों को अब फसल का अच्छा दाम भी मिलेगा। बुंदेलखंड के किसानों की पहचान हमेशा से यहाँ के कठिया गेहूं से ही रही है और स्थानीय किसान इस उपलब्धि से काफी खुश हैं। कठिया गेहूँ वास्तव में हमारे जो भोजन शैली का महत्वपूर्ण एक अन्न है वो, और मैं तो मुझे कठिया गेहूँ के बारे में जो जानकारी है इसी वजह से कठिया गेहूँ करीब एक हेक्टेयर में बोता हूँ, ताकि शुद्ध और असली गेहूँ मैं और मेरे परिवार खा सके। कठिया गेहूँ में हम लोग ना किसी प्रकार का रसायन मिलाते हैं ना कोई केमिकल डालते हैं, उत्पादन कम होता है, लगभग एक बीघा में 3 क्विंटल ही उत्पादन निकल पाता है। पहले सबसे पहले तो बात यह है कि पोषक तत्वों में जो है काफी अच्छा है, जैसे कि अगर हम नॉर्मल गेहूं की बात करें तो उसमें 8 से 9% प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कठिया गेहूं में कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जिसमें 12 से 14% प्रोटीन पाया जाता है। उसके अलावा विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है, साथ ही यह है कि इसमें ग्लूटेन की मात्रा काफी कम पाई जाती है जिस वजह से शुगर पेशेंट भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर जीआई टैग की इसलिए भी आती है क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ का जो कठिया गेहूं है वो सामान्य से अलग है, तो इंडस्ट्रियल यूज भी काफी बढ़ गए हैं। जैसे कि अभी हम देखें तो सेमोलिना, पिज्जा, इन सब में काफी अच्छा बिस्किट, इवन काफी अच्छा जो है हम लोग को मार्केट मिल रहा है। तो बुंदेलखंड के किसानों को अगर हम उनसे कठिया गेहूं लेके अगर हम लोग उसका बाहर भेजें या फिर उसका फर्दर प्रोसेसिंग करें या वैल्यू एडिशन करें तो किसानों को काफी लाभ हो सकता है। दशकों से सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड के किसानों की कड़ी मेहनत से उगाए जाने वाले कठिया गेहूं को जीआई टैग के साथ एक अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल गई है। इस कठिया गेहूं में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और शुगर पेशेंटों के लिए यह कठिया गेहूं बहुत ही लाभदायक बताया गया है। फिलहाल जीआई टैग मिलने के बाद इस गेहूं को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने के बाद इस गेहूं का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा उससे बुंदेलखंड के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, जिससे इनकी जो उपज का इस गेहूं का दाम है वो अच्छी मात्रा में विदेशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, जिससे यहां के किसानों में एक खुशी की लहर है। हमीरपुर से शिवम सिंह, नेटवर्क 10।